इसको अब ढक्कन लगा के मैं फ्रिज में इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी। हाय गाइज, आज हम बनाएंगे सीताफल की रबड़ी। चलिए हम इसके लिए क्या क्या लेंगे। दो सीताफल लिए मैंने मीडियम साइज के, ये पिस्ता लिया है पानी में भिगो के रखा है, मतलब कि इसके ये छिलके निकल जाएंगे, मतलब कि हरा हमारे लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा। इसलिए फुल क्रीम दूध लिया 1 लीटर। काजू बादाम और पिस्ता मैंने भिगो के रखा है, और काजू बादाम हम फ्राई कर देंगे। कंडेंस मिल्क लिया है 1 कटोरी। आप ये अवॉइड करना चाहते हो तो ये शक्कर मैंने जो आधी कटोरी है ये आप 1.5 कटोरी ले सकते हो। और जायफल लिया है, थोड़ा सा जायफल डालेंगे हम पीछे, थोड़ी सी 2-4 लकड़ियाँ केसर की डालेंगे। 3 इलायची बारीक करके लिया मैंने। और तब तक के सबसे पहले हम दूध दूध उबालने के लिए जो पैन लिया है इसमें सबसे पहले हम 1 से 1.5 टेबल स्पून के बराबर से घी डाल देंगे। घी को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। ये जो काजू बादाम है ये इसमें डाल दूंगी मैं, और इसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने देंगे, थोड़ा सा मतलब कि क्रिस्पी होने देंगे। मैं रेसिपी बना रही हूँ, आप देख सकते हो हमारा ईगो किस तरह से मेरी पास देख रहा है। ड्राई फ्रूट गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, इनको निकाल लेते हूँ मैं अभी एक प्लेट में। घी के साथ निकाल लिया है क्योंकि हमें इसके ऊपर कोई घी नहीं चाहिए रबड़ी के ऊपर, इसलिए सभी निकाल लिया मैंने। अभी हम इसमें ये दूध डाल देंगे, फुल क्रीम दूध लिया मैंने, आप देख सकते हो क्रीम जम गया है बाजू में। इसको थोड़ी सी मीडियम से थोड़ी ऊपर आँच करेंगे और इसको उबलने देंगे। इसमें चम्मच रख देंगे हम, मतलब कि ये उबलने लगने के बाद बाहर नहीं आएगा। इसका क्रीम निकाल लेते हैं, दूध थोड़ा गर्म होने के बाद भी हम इसको निकाल सकते हैं। थोड़ा गर्म दूध इसमें डालते हैं, ये सब क्रीम निकल जाएगा। सीताफल को निकाल लेते हैं, इसको 2 हिस्सों में निकालते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बीन ज़्यादा होते हैं और जो अंदर का वाइट पार्ट होता है ये जो ऐसा ये कम होता है, तो अभी हम चम्मच से क्या करते हैं कि ये जो वाइट होता है ये वाइट हम कटोरी में निकाल लेते हैं, मतलब इसको मैश नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही हम रबड़ी में डालेंगे। और ये जो बीन वाला पार्ट है वो हम छलनी में डालते जाएंगे। इसमें बीन ज़्यादा है, वाइट वाला पार्ट कम है, इसको जितना है उतना इसमें डाल देते। ये दूसरे इसमें आधा जो है पार्ट उसमें से जितना सफ़ेद वाला पार्ट निकलता है उतना निकालते हैं, और बींज वाला डंडी निकाल देते इसकी। बींज ही ज़्यादा है इसमें, जो ज़्यादा जो दिवाली के टाइम आते हैं वो थोड़े ज़्यादा अच्छे होते हैं, मतलब कि साइज़ भी बड़ी होती है उनकी और मगज़ भी ज़्यादा होता है। ये अभी ये सीज़न नहीं है वैसे तो, लेकिन बारिश के सीज़न में भी आ जाते हैं, लेकिन जो दिवाली के टाइम आते हैं वो इससे ज़्यादा टेस्टी होते हैं, वो ज़्यादा मीठे होते हैं। ये इतने मीठे नहीं हैं, वो बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं और उनका पल्प होता है वो भी ज़्यादा निकलता है। एक सीताफल का हम पल्प निकाल लेते हैं और इसको चम्मच की सहायता से इसको ऐसे करते हुए इनकी बींजे निकाल लेंगे हम। चाहे तो आप हाथ से भी ऐसे बींजे निकाल सकते हो ऐसे, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है। ये देखिए
ऐसे भी आप निकाल सकते हो, लेकिन हमें थोड़ा सा पल्प भी करना है वैसे तो इसका, इसलिए हम इसको छलनी में से ही निकाल लेते हैं। कुछ कुछ ऊपर का पार्ट भी गिर चुका है इसमें। इस तरह दबाते हुए हम बीन्स बाहर निकाल सकते हैं। देखिए ये देखिए, ऐसे इसको हम चम्मच की मदद से इसका गर जो है पल्प है वो निकालते हैं और बीन्स बाहर निकल जाती है। इसको दबाते हुए इसकी बीन्स अलग हो जाती है, देख सकते हो बीन्स अलग हो चुकी है। आप हाथ से करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। तो अभी हम ये बीन्स निकाल लेते हैं और ये देखें नीचे पल्प आ चुका है, लेकिन ये जो थोड़ा सख्त भाग होता है जो बीन्स से निकलता है वो, तो ये हम कटोरी में अलग से निकालेंगे। ये हमें ऐसे ही रबड़ी में डालने के लिए यूज हो जाएगा। इसको हम ये पल्प में नहीं मिक्स करेंगे। सब बीन्स निकाल लेती हूँ मैं। बीन्स निकाल लिया मैंने, ये जो ऊपर ऊपर का मोटा है ये हम ये जो कटोरी में निकाल के लिया हमने इसमें इसको डाल देते। और ये दूसरा जो सीताफल है इसको भी हम ऐसी तरह से निकाल लेंगे। देखिए इसमें थोड़ा पल्प ज़्यादा है पहले के हिसाब से बीन्स को, हमें देखिए इतना जितना पल्प आता है उतना हम निकाल लेते हैं अलग से, और बीजों वाला हिस्सा इसमें निकलता है। देखिए इसमें कम मतलब कि बीजे कम है और दूसरे पहले वाले हिसाब से दूसरा वाला ज़्यादा बेटर निकला। ये सब पल्प निकल चुका हमारा, इसको हम इसमें निकाल लेते हैं अभी। ये जो कटोरी में है पहले का निकाला उसी में इसी को इसको भी हम ऐड कर देते हैं। अभी हाथ धोलूँगी मैं, दूध अभी आधे से थोड़ा कम उबल चुका है मतलब कि गाढ़ा होने के लिए अभी टाइम है इसको। तो अभी इतने ही बीच में हम ये जो शक्कर लिया हमने चीनी लिए ये इसमें डाल देंगे अभी, मतलब कि चीनी का जो भी पानी रहेगा वो इसी के साथ पतला होके हम इसको चलाते हुए गाढ़ा कर लेंगे। और इसको अभी हम थोड़ा सा ठीक होने देते, अभी थोड़ा सा ठीक होना बाकी है। थोड़ा मैं गैस बढ़ा कर दूँगी मतलब कि अभी मैं चला सकती हूँ, तो पहले मैंने धीमी आँच रखी थी क्योंकि मैं वो पल्प निकाल रही थी, तो अभी मैं खुद चला सकती हूँ तो थोड़ा गैस बढ़ा कर दिया मैंने। क्या होता है हम लोहे की या एल्यूमिनियम की कढ़ाई लेते तो साइड साइड में हमारा मलई निकलते जाती है, लेकिन मैंने नॉनस्टिक पैन लिया है इसलिए ये इसके अंदर ही हम इसको कवर हो रहा है मतलब कि किनारे से नहीं लग रहा है। देखिए इसको थोड़ा हमें मतलब कि आधा से भी थोड़ा और कम मतलब 1/4 से थोड़ा ज़्यादा इतना हमें इसको गाढ़ा करना है। रबड़ी बोल रहे हैं हम तो रबड़ी की उसमें कोई ना कोई कंसिस्टेंसी तो लगनी चाहिए ना, मतलब कि ये बासुंदी भी नहीं है खीर भी नहीं है रबड़ी है तो उतनी गाढ़ी तो रहेगी रहेगी। इसको चलाते हुए हम गाढ़ा बना लेते हैं। काजू बादाम मैंने काट लिए, ये मोटे ही काटे हैं इनको कोई बारीक नहीं किया है। और ये पिस्ता मैंने छिल लिया है, देखिए 10 मिनट हम रखते तो छिलके उतर जाते हैं। इनको हम फाइन चॉप करेंगे क्योंकि इसको हमें गार्निश करना है इसकी। इस तरह से हमारी ये दूध बहुत ज़्यादा अब ठीक हो चुका है मतलब कि अब हम जब सीताफल का पल्प डालेंगे तो ये ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो अभी हमने यहाँ तक गाढ़ी किया है इतना अभी सफिशेंट है, तो अभी हम इसमें ये जो कंडेंस मिल गया है ये हम स्टार्ट कर देंगे।
कंडेंस मिल्क डालने के बाद हम इलायची, हमने इलायची डाल देते हैं, इसको मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि भी ठंडी भी होगी तब भी ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, और तो हम ज़्यादा गाढ़ा करते हैं तो बिल्कुल भी मतलब कि वो मतलब कस्टर्ड के जैसा हो जाएगा, थिक कस्टर्ड, तो हमें इतना कस्टर्ड थिक कस्टर्ड नहीं करना है। तो आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा हमारी रबड़ी बराबर से हो चुकी है। अभी इसमें हम थोड़ा सा केसर के दो चार लकड़ी ऐड कर देते हैं, वो ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें जो सीताफल का फ्लेवर है वही रखना है, बस एक थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। और ये जो जायफल है, ये जायफल इसमें भी देंगे हम थोड़ा, और ये जो ड्राई फ्रूट लिया है हमने, जो फ्राई करके रखा है, ये ड्राई फ्रूट भी इसमें ऐड कर देंगे, और इसको 2 से 5 मिनट तक हम बड़ा गैस कर देंगे थोड़ा और चलाएंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, कलर भी अच्छा आ चुका है हमारे रबड़ी का, इसको बड़ा गैस किया है मैंने, किनारे से नहीं लगी, लेकिन इसमें अंदर बहुत ज़्यादा मलाई वो जमा हो रही है, नॉर्मल बर्तन होता है तो किनारे से हमारी मलाई लग जाती है, इसमें से कुछ नहीं होता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से 2-3 बार आने देते हैं गैस गैस करके। आप चम्मच को देख सकते हो इतना थिकनेस आया है, इस पर से आप समझ सकते हो कि हमारी जो रबड़ी है वो ठीक हो चुकी है, मतलब अभी ठंडी होने के बाद और ज़्यादा ठीक होगी, और हमें पल्प भी डालना है। कलर भी चेंज हो चुका है हमारे रबड़ी का, 5 मिनट चला दूंगी मैं बड़ी गैस पे इसका चलाते हुए। पाँच मिनट हमने चला लिया, आप देख सकते हो हमारी रबड़ी अभी बहुत ज़्यादा ठीक हो चुकी है, अभी हम गैस बंद कर देंगे क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और ठीक होगी। देखिए गैस बंद कर दूंगी मैं, आप अब इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी मैं, आधे घंटे में ये ठंडी हो जाएगी, उसके बाद के अगली प्रोसीजर करेंगे हम। हमारी रबड़ी ठंडी हो चुकी है, तो अब इसमें हम ये जो पल्प हमने बनाया है, ये पल्प हम इसमें डाल देते हैं। ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि कभी भी हम सीताफल की रबड़ी बनाते हैं तो गर्म जब हमारी रबड़ी होती है तो उसमें हम कभी भी सीताफल का जो पल्प है वो कभी ना डालें, या इसको वापस कभी ना उबालें, क्योंकि ये फिर कड़वी लगती है। तो हमारी सीताफल रबड़ी तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हो बहुत तो अच्छी सीताफल की रबड़ी बनी है हमारी। अभी इसको हम सर्व कर देते हैं। थोड़ा सा पिस्ता इसमें डाल दूंगी मैं, और इसको हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। दूसरा इस बाउल में निकालूंगी मैं, एक हंडी है मेरे पास कांच की, और इसको फ्रिज में रख दूंगी ठंडा होने के लिए, इसका मज़ा ठंडा होने के बाद ही ज़्यादा अच्छा आता है। मैंने ये पिस्ता अलग से रखा है, तो आप ये सीताफल की रबड़ी ज़रूर ट्राई कीजिए। आपने मेरी सिंपल सी सीताफल रबड़ी की रेसिपी देखी, आप ज़रूर ट्राई कीजिए, और आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।